नाजरीन आदाब, 2014 का वो तबाहकुन सैलाब जिसने जहां रियासत जम्मू और कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में शदीद नुकसान पहुंचाया था, वहीं ज़िला पुंछ में भी उस सैलाब की वजह से शदीद नुकसान देखने को मिला था। अगर खसूसी तौर पर ज़िला पुंछ की बात की जाए तो इस सैलाब की वजह से जहां मुतद्दिद नुकसान हुए थे, वहीं बहुत सारे पुल भी इस सैलाब की नज़र हुए थे और इन पुलों में एक पुल ड्रुंगली नाला का पुल भी था जो आज भी अपनी मरम्मत के इंतज़ार में। इस पुल को देखकर ऐसा लगता है कि ये पुल ज़िला इंतज़ामिया की नज़रों से ओझल है और अगर ओझल नहीं भी है तो ज़िला इंतज़ामिया इस पर सुस्त रवि का मुजाहरा कर रही है। वादे रहे कि इस पुल से तहसील मंडी इलाका चंडक साथरा सेकलू सावजिया लोरन से हज़ारों की तादाद में रोज़ाना लोग सदर मुकाम पुंछ पहुँचते हैं और इस पुल की वजह से वो दुश्वारियों का सामना भी करते हैं। कैमरामैन जहीर अब्बास के साथ वसीम हैदरी, पुंछ। कश्मीर में उसमें हमारा जो ड्रुंगली वाला पुल भी गया और उसके बाद शहरी कश्मीर पुल पुंछ में भी गया था। आज तक 18 भी गुजर गई और शहरी कश्मीर पुल तैयार हो गया और ड्रुंगली का पुल अभी तक तैयार नहीं हुआ। इसका हमें फ़ायदा है, तहसील मंडी को भी फ़ायदा है और चंडक वालों को फ़ायदा है। जो ये कलाई का पुल पड़ता है, अगर हम पुंछ जाएँ तो उस रास्ते से जहाँ हमें 10 किलोमीटर का फ़र्क पड़ता है। ये जो ड्रुंगली का पुल है, इंतज़ामिया से हम गुजारिश करते हैं, गवर्नमेंट बिलखसूस गवर्नर साहब से हम गुजारिश करते हैं कि इसको प्लान में रखा जाए और जल्द अज जल्द 31 मार्च के अंदर अंदर इसका काम शुरू किया जाए। ये हमें तहसील मंडी और पुंछ वालों को भी बहुत ज़रूरी का इसमें पड़ता है और जबकि साईं बाबा रोड जाती है वो भी इसी से क्रॉस होती है, इसलिए हम गुजारिश करते हैं गवर्नर साहब से कि इसका जो काम है जल्द अज जल्द किया जाए और प्लान में रखा जाए।